मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। यहाँ पे वन माफिया जंगलों को काट रहे हैं और यहाँ पे फसल उगा रहे हैं। इसकी सूचना जब वन विभाग को मिलती है तो वो कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं। आप एसडीओ अजय सागर का ये बयान सुनिए। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी, उन्हें ऐसी खबर आ रही थी कि वनों की कटाई हो रही है और पेड़ों की कटाई हो रही है और यहाँ पे फसल लगाई जा रही है। उसके बाद वो जांच करने पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अतिक्रमण पाया और उसे आज जेसीबी से निस्ते नाबूद कर दिया। करीब 4 रेंज के अधिकारी यहाँ पे थे, कर्मचारी यहाँ पे थे, रेंजर यहाँ पे थे। इन लोगों ने सामूहिक कार्रवाई करते हुए यहाँ पे करीब 15 से 17 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। लेकिन ये बयान भी एसडीओ का अजीबोगरीब है कि उन्हें सूचना मिल रही थी, अरे साहब आप तो वन रक्षक हैं, आप तो वनों की रक्षा करने वाले साहब हैं, आप एसडीओ हैं, ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वन ना कटे। ये सूचना आपको कैसे मिलेगी, ये तो आपके वन रक्षकों को ही बताना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, पूरा घालमेल है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वन कटता है, अगर सागौन कटता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी बीट वन रक्षक को होती है। लेकिन यहाँ पता नहीं किस तरीके का खेल चल रहा है जो जंगल माफियाओं के नाम पे धड़ल्ले से जारी है। बहरहाल आज की पूरी कार्रवाई देखिए, एसडीओ अजय सागर ने क्या कहा वो भी सुनिए। आप हमारी खबर को देखते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिली रही। फेसबुक पे उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी जांच हमारे द्वारा करवाई गई थी, तो जिसमें सत्यता पाई गई। तो आज हम लोगों ने 4 रेंजों का स्टाफ, लगभग 90 की संख्या में, और 4 रेंज ऑफिसर, शाहपुर, बोदली, खकनार और बुरहानपुर, ये 4 रेंजों के रेंज ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर ये कार्रवाई की गई हम लोगों के द्वारा। और लगभग 15 हेक्टेयर के आसपास जमीन हमने आज खाली करा ली है। सर, यहाँ पर कुछ जंगल कटाई भी हुई है, उसको कैसे चिन्हित करेंगे? हाँ, कुछ कटाई हुई है, कुछ अंडर 20 के पेड़ हैं, जो लगभग 70-75 के आसपास उनकी संख्या की हमने गिनती कराई है। और जल्दी उनको, आरोपियों को पकड़ करके हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, ये कार्रवाई क्या निरंतर चलते रहेंगे? हाँ, कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आपका नाम? पद अजय सागर, एसडीओ बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।